स्वामी विनय करते करियो गौसे पार जिन सुर तुम रिदारे करहु बोले मुर्शिदनाथ भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित महेश कुमार शास्त्री कारीटोड़ में यहाँ नवीन जिनालय श्री मुर्शिदनाथ भगवान के जिनालय का निर्माण किया गया था परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से। गत वर्ष फरवरी माह में आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में इन मुंशीनाथ भगवान की प्रतिमा का भव्य पंचगणक महोत्सव आयोजित किया गया था। विगत 5 दिनों से इन प्रतिमा जी के ऊपर में देवों के द्वारा दिव्य अभिषेक नित्य किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार से परीक्षण किया और ये पाया गया कि ये दिव्य अभिषेक देवों के द्वारा ही किया जा रहा है। क्योंकि रात्रि का समय है, हम इसलिए प्रतिमा के निकट जाने की स्थिति में नहीं है, दूर से ही इसका वीडियो बना करके आपको दिखाया जा रहा है। ये पतली पतली धार आप देख रहे होंगे भगवान के श्रीवत्स के पास से, आप देखिए वहां से ये बिल्कुल बारीक सी धार जल की लगातार श्रवित हो रही है, लगातार बह रही है। ऐसे ही श्री जी का जो चेहरा है यहाँ पर भी देखिए, आप चारों तरफ से जल के कण विद्यमान है और ये धीरे धीरे आप नीचे की ओर आएंगे तो हम पूरा का पूरा ये हृदय, ये हस्त और ये चरणों के पास से, ये जो प्रशस्ति चरणों के पास से होकर के प्रशस्ति भी देखिए बिल्कुल गीली हो गई है। और ये प्रतिदिन की बात है, विगत 5 दिनों से ये घटना यहाँ रोज घट रही है। ये जो कमलासन है, कमलासन भी श्रीमत है और उसके नीचे का जो इस संगमरमर की पट्टी है ये भी जल से भीगी हुई है। जल की मात्रा उतनी ही रहती है जितनी के बहकर के पांव में नहीं आए। और इसको भी हम एक अच्छे कहेंगे, ये यहाँ कोई भी प्रकार का अभी ना तो कोहरा है, ना आज सुबह से कोहरा था और ना किसी प्रकार से वाष्पीकरण जमीन से हो रहा है। बिल्कुल सामान्य और विस्मृत प्रक्रिया है कि यहाँ देवोपनीत अस्य के माध्यम से पूज्य मुर्शिदनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक एक तरह से किया जा रहा है। भले ही अनेक लोग ये कहें कि प्रतिमा को पसीना आना भद्रवाहु संहिता में जो उल्लेख किया गया है वो किसी विविधा का सूचक है, हो सकता है, हम इस बात को नकारेंगे नहीं, लेकिन ये पसीना आना नहीं है। ये प्रतिमा पर बिल्कुल देखिए, आप श्रीवत्स के पास से जल की एक पतली सी धार लगातार स्रवित हो रही है। 3 दिन पहले ये धार 2-3 जगह से हो रही थी और आज ये धारा श्रीवत्स के पास से दिखाई दे रही है। हम इसलिए जिनमें को पसीना आना नहीं कहेंगे, बिल्कुल जहां भी पसीना आया होगा उनके संकेत निश्चित ही उस जगह के लिए, वहां की समाज के लिए हानिकारक रहे होंगे, लेकिन ये देवों कृत अभिषेक है जो यहाँ बिल्कुल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ देवों की स्थिति है, उपस्थिति है और प्रतिमा जी अक्षयकारी हैं, मनोवांछित फल को देने वाली हैं। बोले मुर्शिदनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव गदर श्री मुर्शिदनाथ भगवान के मैं दाहिने भाग में, दाहिने पार्श्व में खड़ा हूँ और यहाँ देखिए उनके गंडक से, गाल से जल की धार बह रही है और ऐसे ये पूरा बिंब जल के कणों से सुशोभित हो रहा है, हम इधर देख रहे हैं। और इसके पीछे जो भामंडल बना हुआ है इस पर भी जल के कण उपलब्ध हैं, हाँ इनके बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जबकि इसके बगल में जो भित्तिका है, जो दीवाल है, उस दीवाल में कहीं भी आपको जल के कण परिलक्षित नहीं होंगे, पूरी दीवालें सूखी हुई हैं। चूंकि इस जिनालय का अभी संपूर्ण सजावट का कार्य पूरा नहीं हुआ है, सजावट का कार्य चल रहा है, तो ये सर्वत्र जो है ये दीवालें उन पर संगमरमर नहीं लगाया जा सका है।
तो वहां भी अगर ये हम कहें कि वातावरण के प्रभाव से ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये दीवारों पर भी जल के कण या उसमें वाष्पीकरण या कुछ भी होना चाहिए, वो नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए कोहिनी के पास में देखिए जल के कण स्पष्ट बहुत हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। एक एक कण श्री जी के गात से स्पष्ट नजर आ रहे हैं, हम पीछे की ओर भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये मुंशीनाथ भगवान का आश्रयकारी ये बिंब यहाँ विराजमान है। सभी महानुभावों से जो भी यहाँ आ सकते हैं वो दर्शन करने पधारे और इस अवसर का लाभ लें। हम पूरे देश में ये देख रहे हैं कि जहां भी वर्तमान समय में मुंशीनाथ भगवान की प्रतिबिंब विराजमान है, उन उन जगहों पर चाहे जहाजपुर हो या और जगह हो, वहां पर मुंशीनाथ भगवान की प्रतिमा में विभिन्न प्रकार के अक्षय यदवा तदवा परिलक्षित होते रहते हैं। और देखिए ये इनका श्री जी का बायां हाथ का स्थान है, जहां स्तन मंडल के ऊपर में भी जल का पूरा स्थिति आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी कि ये जल के जो धार है बहुत ज्यादा मात्रा में यहां स्रवित हो रही है। और देखिए देवों का तो अक्षय ऐसे ही नजर आएगा, ये देखिए स्तन मंडल के नीचे से बिल्कुल जल की धाराएं चल रही है और ये धीरे धीरे जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। हम आपको फिर श्रीवत्स की ओर लेके चल रहे हैं और ये श्रीवत्स आप देख सकते हैं, वहां से पूरी की पूरी जल की धार स्रवित हो रही है। ये भगवान के पृष्ठ भाग में भी आप देखिए पूरा का पूरा गात्र श्री जी का स्रवित है और ये इसमें दोराए नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए ये प्रशस्ति का जो भाग है पीठ का, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ भी देखिए जल की धाराएं पूरी बहुत अच्छी तरह से, ये कमलासन है, यहाँ पर भी जल के कण आप देख सकते हैं। और ये यहाँ जहाँ वेदिका है, जहां पर ये कमलासन और विराजमान है, उसमें श्री जी विराजमान है, वहां भी जल के कण बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। और यहाँ जितने भी ये चवरधारी इंद्र बने हुए हैं, इनके ऊपर में भी ये जल के छांटे वहां से, चूंकि देवों के द्वारा जो अभिषेक किया जाएगा वो हमें दिखाई तो नहीं देगा, ना देवताओं की स्थिति हमें दिखाई देगी, ऐसा ही भगवान के अभिषेक के समय में भी जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो संपूर्ण असंख्य देवों के साथ में सौधर्म इंद्र सप्तरंगी सेना के साथ में जब अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है, उस समय भी अयोध्या वासियों को देवों की वो सप्तरंगी सेना सात प्रकार की सेना बिल्कुल भी नजर नहीं आती, जबकि पूरा का पूरा अयोध्या का प्रांगण उन देवताओं से खचाखच भर जाता है। ऐसे ही यहां भी यदि देवता उपस्थित हैं और ये भगवान के ऊपर में अक्षय कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया है। बिल्कुल ये संभव है, देवता दिखाई ना दें, उनके द्वारा जल जो भगवान के मस्तक को छोड़ा जा रहा है, जैसे भगवान बाहुबली का अभिषेक जब किया गया था श्रवण बेलगोला में प्रथम मस्तक का अभिषेक, उसमें विभिन्न राजाओं ने महारानियों ने भगवान का जो अभिषेक किया उसका जल नाभि से नीचे नहीं आया, लेकिन जब गुल्लिका जी ने अभिषेक किया तो जल के सारे प्रवाह से नीचे में तालाब भर गया, ऐसा वहां की किंवदंती है और आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे ही भगवान के मस्तक पर यदि देवताओं के द्वारा यहां अभिषेक किया जा रहा है तो उसके छोटे छोटे कण तो यहां हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी धार हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए चेहरे के ऊपर में हम आपको दिखाना चाहते हैं, चेहरे के ऊपर में बहुत बढ़िया, जहां जहां जल के कण पड़ सकते हैं वहां जल के कण हैं, और जहां नहीं पड़ सकते हैं आंखों के नीचे नासिका के भाग पर, नीचे वाले भाग पर जहां नासिका मंडल की जो गोलाई होती है वहां जल के कण नहीं है, जबकि गंडस्थल जिनको गाल कहते हैं हम लोग, उन गालों पर, ठुड्डी पर, होंठों पर, आंखों की पलकों पर, मस्तक पर, जहां संभव है वहां जल के कण है, सर्वत्र नहीं है। अब देखिए कान का मंडल देखिए, कान के भीतरी वाले हिस्से में जल के बिंदु नहीं है, जबकि कान के बाहर वाले हिस्से में जल के बिंदु है। यदि वाष्पीकरण इसको कहा जाता तो जल के जो कण है वो कान के भीतर वाले हिस्से में भी दिखाई देना चाहिए, लेकिन वहां नहीं है, लेकिन उसके बाहर में ये जल के कण, ये देखिए गाल के ऊपर में है, गले के ऊपर में है, स्तन मंडल के ऊपर में है, भुजाओं पर है, संपूर्ण गात्र पर ये जो है, और ये निश्चित ही देवों के द्वारा यहां किया जा रहा अभिषेक है। सभी महानुभाव आप अपनी ओर से यहां आकर के भगवान के अभिषेक को देखें, यहां इनके दर्शन करें, पूजन करें और अपने जीवन में साक्षात अक्षय को प्राप्त करें। बोले मुश्मितनाथ भगवान की जय।